सोमवारीय जाम से निजात दिलाने के लिए सोमवार को यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु वन वे डाइवर्जन प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि नौसर तिराहा व नौकायन तिराहा की तरफ से पैडलेगंज चौराहे को आने वाले यातायात छात्र संघ चौराहा, विश्वविद्यालय चौराहा, मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए तथा कूड़ा घाट व कौवा बाग तिराहा की तरफ से मोहद्दीपुर को आने वाला यातायात मोहद्दीपुर चौराहे से पैडलेगंज चौराहा, छात्र संघ चौराहा, विश्वविद्यालय चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएगा। मोहद्दीपुर चौराहे से विश्वविद्यालय चौराहे की तरफ प्रतिबंधित रहेगा। विश्वविद्यालय चौराहे से छात्र संघ चौराहे की तरफ आने वाला यातायात प्रतिबंधित रहेगा। ये यातायात मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएगा। शास्त्री चौराहे से अंबेडकर चौराहे की तरफ जाने वाला यातायात प्रतिबंधित रहेगा। ये यातायात कचहरी चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जाएगा। अंबेडकर चौराहे से नौसड़ की तरफ जाने वाला यातायात अंबेडकर चौराहे से ADG महोदय तिराहा से दाहिनी तरफ मुड़कर बेतिहाता होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएगा। वाराणसी, मऊ, आजमगढ़ की तरफ से आने वाले रोडवेज बसें नौसड़ बस अड्डा पर प्रातः 9 बजे से साय 5 बजे तक खड़ी होंगी। लखनऊ की तरफ से आने वाली रोडवेज बसें नौसड़ पैडलेगंज मोहद्दीपुर विश्वविद्यालय चौराहा होते हुए रोडवेज बस डिपो के अंदर खड़ी होंगी। बस अड्डा से शहर में आने वाली सवारियों के लिए नौसड़ बस अड्डे पर इलेक्ट्रॉनिक बस उपलब्ध रहेगी। नौसड़ की तरफ से TP नगर फल मंडी, रुस्तमपुर चौराहे से बाएं मुड़कर बेतिहाता चौराहा, काली मंदिर होते हुए मेडिकल कॉलेज जाने वाला यातायात TP नगर चौराहा, बेतिहाता चौराहा, काली मंदिर तिराहा पर अत्यधिक दबाव होने के कारण टीपी नगर चौराहा, फल मंडी, रुस्तमपुर से बेतिहाता की तरफ जाने वाला 4 पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेगा। ये 4 पहिया वाहन टीपी नगर से पैडलेगंज चौराहा, मोहद्दीपुर चौराहा, कौवाबाग तिराहा तथा पैडलेगंज से छात्र संघ विश्वविद्यालय चौराहा, कौवाबाग अंडरपास होते हुए मेडिकल कॉलेज को जाएगा तथा गोरखनाथ मंदिर जाने वाला यातायात पैडलेगंज चौराहे से छात्र संघ चौराहा, विश्वविद्यालय चौराहा, रोडवेज तिराहा, यातायात तिराहा होते हुए जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से दूरभाष से बात करते हुए SP ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने बताया। ये कल सोमवारी जाम के दृष्टिगत रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है, जिसमें जो बसें हैं जो मऊ और आजमगढ़ वाराणसी तरफ से आ रही हैं उन्हें नौसड़ में खड़ा किया जाएगा और जो हमारे यात्री हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक बस की सहायता से उनको वहां पे पहुंचाया जाएगा। ये लोग छात्र संघ से इलेक्ट्रॉनिक बस से जाएंगे वहां नौसड़ की तरफ। बाकी जो यातायात है वो टीपी नगर से बेतिहाता की तरफ यातायात 4 पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वो पैडलेगंज से होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे और जिनको मेडिकल कॉलेज जाना है वो कौवाबाग होते हुए मोदीपुर कौवाबाग होते हुए जाएंगे। इसी तरह से जो प्राइवेट बसें हैं उनको बाहर की तरफ खड़ा किया जाएगा, उनको सिटी में प्रवेश करने की परमिशन नहीं होगी। बाकी जो अम्बेडकर की तरफ से छात्र संघ की तरफ और पैडलेगंज की तरफ वाहन नहीं जाएंगे। जो रोडवेज की बसें हैं वो रोडवेज पे रहेंगी और कहते हैं वो यूनिवर्सिटी चौराहा मोहद्दीपुर होते हुए आएंगी जाएंगी, वो उन्हें छात्र संघ की तरफ आने की परमिशन नहीं होगी। और जो वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ की बसें आ रही हैं उन्हें नौसड़ पे रोका जाएगा। प्राइवेट बसें बाहर रहेंगी, वो शहर में आने की परमिशन नहीं होगी। साथ ही नौसड़ पे कचहरी बस स्टेशन पे और रेलवे स्टेशन पे हम व्यवस्था करेंगे लाउडियर से, ताकि वहां से अनाउंसमेंट होता रहे कि कहां से उनको बसें मिलेंगी, ताकि जो हमारी जनता है उसको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इंटरनल ट्रैफिक का ये जो है बेतिहाता की तरफ से जो आएंगे 4-व्हीलर्स जो मेडिकल के लिए जा रहे हैं उनको परमिट नहीं किया जाएगा, वो बाहर बाहर पैडलेगंज से छात्र संघ होते हुए, यूनिवर्सिटी चौराहा होते हुए, रोडवेज होते हुए जाएंगे या फिर पैडले मतलब सीधे जाएंगे मोहद्दीपुर, वहां से कौवाबाग होते हुए जाएंगे असुन होते हुए, वो उनको बेतिहाता से अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ओनली 2 व्हीलर्स अलाउड होंगे।